हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स और आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मी बैंड 3 की जो कि आ गया है। इसकी हम लोग करने वाले हैं वाटर टेस्ट, यानी पानी में क्या होता है। साथ ही साथ हम इसको फ्रीज के अंदर 10 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि अगर मैंने बर्फ जमाने के लिए छोड़ा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो 10 मिनट के लिए रखेंगे और देखेंगे कि फ्रीज के माइनस टेम्परेचर पे इसके साथ क्या होता है, यानी ये वर्क करता है या फिर खराब हो जाता है। खैर, ये मुझे बहुत लेट से मिला है, आप देख रहे हो, हालांकि मैंने फर्स्ट सेल में बुक किया था। लेट से क्यों आया, इस बात की वीडियो जल्दी ही आएगी और अब मैं कभी भी मी.com से कुछ भी ऑर्डर नहीं करूंगा, इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है। खैर, वो बाद में बताऊंगा, अभी हम लोग इसका वाटर टेस्ट शुरू करते हैं। गाइस, बात करें मी बैंड 3 की तो इसके अंदर 0.78 इंच की OLED डिस्प्ले मिल जाती है आपको। और वाटर टेस्ट जो अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं तो शुरू करते हैं बेसिक स्टेप से। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, पूरा डिस्प्ले इसका टच वाला है, ठीक है, और सब सही वर्क कर रहा है। नीचे इसका हार्ट रेट मॉनिटर सेंसर जो होता है वो लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पहले तो मैं इसको बेसिन में पानी से भिंगा कर टेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर आगे और एक्सट्रीम टेस्ट होगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक्सट्रीम टेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे पानी तो जा रहा है इसके ऊपर, ठीक है, मतलब ऐसा मैंने कोई भी यूनिट नहीं देखा था। वैसे ये मेरा फर्स्ट है, तो मी बैंड 2 और 1 को तो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, ना ही कभी देखा है हाथ से छू के, ठीक है। डायरेक्ट 3 से स्टार्टिंग हुई है, तो 3 में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जो हूँ इसको पूरी तरह से भींगा रहा हूँ, लेकिन इसमें एक बात है कि जब भींगा ये होता है तो 60% चांसेस होते हैं कि टच नहीं काम करता। और यहाँ पे देखो, एक बाल्टी पानी आपके सामने है और मेरे हाथ में मी बैंड है यहाँ पर, तो मी बैंड को मैं सीधा जो है पानी के अंदर जो है अपने हाथ को डाल दूंगा और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। धूप के अंदर मी बैंड जो है देखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आपको पता नहीं चले, शायद फ़ोन में नहीं पता चल रहा है, मगर ये इसका स्क्रीन ऑन है, मुझे भी पता नहीं चल रहा था। जब मैंने निकाल के बहुत गौर से देखा, बहुत ज़्यादा गौर से देखा, तो देखा कि डिस्प्ले पर टाइमिंग शो हो रहा है, तो यहाँ पर ये शो ही नहीं हो रहा है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसकी OLED डिस्प्ले जो है वो इतनी ज़्यादा डार्क है, ठीक है, कि धूप में पता ही नहीं चलता है। बट मैं कोशिश करूँगा कि इसमें कुछ फिक्सेस करके ठीक कर सकूँ। वैसे इसमें 2 सॉफ्टवेयर अपडेट आया था जब मैंने इसे फर्स्ट बूट किया था, और बॉक्स के अंदर बिल नहीं था, चार्ज जो है ये नहीं था। चार्ज मैंने लगाया इसको करीब आधे घंटे, उतने देर में ये 26% चार्ज हो गया था कल रात को एक्चुअली। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पानी के अंदर मैं डाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, लेकिन इसको कुछ नहीं हो रहा है। ये भाई बहुत बढ़िया से मज़े से चल रहा है। तो ये है मी बैंड 3, और इसके बॉक्स पर लिखा हुआ है, बॉक्स पर मुझे नहीं पता, मगर इसके बारे में मैंने जहाँ तक पढ़ा मुझे पता चला कि 40 मीटर पानी के अंदर यह जा सकता है और 110 mAh की बैटरी इसके अंदर है। अब मैं इसको फ्रिज में डालने वाला हूँ, ये है एक्सट्रीम टेस्ट का होल स्क्वायर, ठीक है, फ्रिज के अंदर डालने वाला हूँ। फ्रिज में यहाँ पर आप देखोगे -17 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ठंडक है फ्रिज के अंदर, और ये फ्रिज का जो है फ्रीज़र वाला सेक्शन है जहाँ बर्फ जमती है, ओके। और यहाँ पे मैं मी बैंड 3 को रखने वाला हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं इसे कप में रख के बर्फ ही जमा दूँ, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा और सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कल पटना जाना है और वीडियो आज पब्लिश करनी थी, अभी पब्लिश करनी थी, इसलिए मैंने सिर्फ इसे 10 मिनटों के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया, स्टॉप वॉच लगा करके। स्टॉप वॉच इसके अंदर भी ऑन कर दिया, साथ ही साथ मैंने अपने फ़ोन के अंदर भी ऑन कर दिया। आफ्टर 12 मिनट्स मैं गया फ्रिज को खोलने के लिए कि देखूं ज़रा कि भाई क्या हालात हैं, मी बैंड चल रहा है कि बर्फ़ में कुछ उसको ख़राबी तो नहीं हो गया। तो जैसा कि मैंने देखा, वो रिज़ल्ट आपके सामने है। मी बैंड के अंदर लाइट जल रहा था, स्टॉप वॉच का लाइट पूरा एकदम था, और स्टॉप वॉच पर लिखा गया था 13-14 मिनट, और अभी इसके अंदर जो है ठंडक वही -10 डिग्री 12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास थी। बट जब मैंने मी बैंड को बाहर निकाल के टेबल पे रखा और उसकी टेम्परेचर चेक की, तो वो 6-7 डिग्री तक शो हो रही थी, और मी बैंड 100% फुल्ली वर्क कर रहा था बिना किसी दिक्कत के, कहीं से भी कुछ भी ख़राब नहीं हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक के ये आप इजीली पहन के नहा सकते हो, मतलब, और ठंड में भी कहीं चले गए तो इसको कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे फ़ोन ठंड में काम करना बंद कर देते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो ये फ़ोन तो है नहीं, ये मी बैंड है। और भाई, मुझे लग रहा है कि मैंने पैसे जो है सही जगह इन्वेस्ट किए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को दबाइए और हमारे फैमिली के मेंबर बन जाइए। साथ ही साथ नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उसको ज्वाइन करो, और व्हाट्सएप पे अपडेट्स आपको मिलती रहेगी वीडियोस की, क्योंकि कभी कभी जो है यूट्यूब की नोटिफिकेशन नहीं जाती है। साथ ही साथ मी बैंड 3 से आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, और एम करते हैं वीडियो पे 50 लाइक के। 50 लाइक तो बनता है भाई, बहुत कम मांग रहा हूँ, इतना तो हो जाना चाहिए, बाकी आप जानो।